जय राधा माधव कुंज बिहार गोपी जन बल्लभ गिरिवर धारी जसोदा नंदन ब्रज जन रंजन जमुना तीरा बनचारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे राम राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 जय राधा माधव राधा माधव राधे जय पंचतत्ता जय पंचतत्ता जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय जय नृसिंहदेव 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 जय नृसिंहदेव जय प्रह्लाद महाराज प्रह्लाद महाराज प्रह्लाद महाराज जय प्रह्लाद महाराज जय जय प्रभुपाद 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 निताय गौर हरिबो हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय हरि नाम संकीर्तन की जगत गुरु शिला प्रभुपाद की निताय गौर प्रेमानंदे ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानंजना शलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथन्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगना ललिता श्री विशाखमितांश्च नमो विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत
स्वामी नीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष सुन्नवादी पश्चतारिणे। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपीश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीपार्षादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्टिकी। मुखं करोति वाचालं पंगुलं मते गिरिं यत्कृपातमं वंदे श्रीगुरुनदीतारिणः परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यशरं। हरे कृष्ण। तो आज हम लोग श्रीमद् भागवतम द्वितीय स्कंध प्रथम अध्याय श्लोक संख्या 21 इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो सर्वप्रथम हम लोग श्लोक के ऊपर दो तीन बार उच्चारण करते हैं। जस्यां संधार्यमानायं योगिनो भक्ति लक्षणम् आशु संपद्धति योगाश्रम भद्रमिच्छत। जस्सां संधार्यमानायं योगिना भक्ति लक्षणा आशु संपद्धति योगाश्रम भद्रमिच्छत। जस्सां संधार्यमानायं योगिना भक्ति लक्षणा आशु संपद्धति योगाश्रम भद्रमिच्छत। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजन, स्मरण की इस पद्धति से तथा भगवान के कल्याण प्रद साकार स्वरूप का दर्शन करने के अभ्यास में स्थिर होने से मनुष्य भगवान के प्रत्यक्ष आश्रय के अंतर्गत उनकी भक्ति को शीघ्र ही प्राप्त कर सके। हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्तिवेदांत स्वामी जगत गुरु श्रील प्रभुपाद के द्वारा भक्तिवेदांत तात्पर्य योग की सिद्धियां भक्तिमय प्रवृत्ति के द्वारा ही प्राप्त की जा सकती। ब्रह्मवाद जो कि सर्वशक्तिमान की सर्वत्र उपस्थिति को अनुभव करने की पद्धति है, एक प्रकार का मन का प्रशिक्षण है जिसमें भक्तिमय धारणा के प्रति अभ्यस्त हुआ जाता है और जोगी को इसी भक्तिमय प्रवृत्ति से ऐसे जोगिक प्रयासों की सफल परिणति संभव होती है। किंतु भक्ति के रंच मात्र मिश्रण बिना मनुष्य को ऐसा सफल पद प्राप्त नहीं होता। ब्रह्मवाद की दृष्टि से जो भक्तिमय वातावरण उत्पन्न होता है वो आगे चलकर भक्ति में विकसित हो जाता है और निर्विशेषवादी के लिए यही एकमात्र लाभ है। भगवत गीता 12 अध्याय 5 नंबर श्लोक में इसकी पुष्टि हुई है कि आत्म साक्षात्कार का निर्विशेष मार्ग अधिक कष्टप्रद है क्योंकि यह घूमकर लक्ष्य तक पहुंचता है। यद्यपि निर्विशेषवादी भी काफी समय बाद भगवान के साकार रूप के प्रति आकृष्ट होता है।
तो बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है आज का। तो सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बता रहे क्या कि भगवान श्री कृष्ण जीवन के अंतिम समय में हम लोगों को क्या करना चाहिए। जीवन के अंतिम क्षण में भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करना चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण का स्मरण कैसे होगा? भगवान श्री कृष्ण का स्मरण मतलब उनकी लीला कथा का श्रवण। तो जब तक हम लोग लीला कथा का श्रवण नहीं करेंगे तब तक तो स्मरण होगा नहीं। तो इसीलिए यहाँ पर जो पिछले श्लोक में, कल के श्लोक में हम लोग जिस चीज के बारे में डिस्कस किया था वो ये था कि भगवान एक व्यक्ति को घर छोड़कर वन में जाना है। वन में जाकर वो योगिक साधना के लिए समाधि में स्थित होता है, मतलब बैठ जाता है। फिर परमात्मा का ध्यान करता है, कृष्ण का चिंतन करता है, उनका चरण, उनकी नाक, उनके कान, उनके पद जुगल, उनके नयन भगवान, उनके केश, उनके बाल, इस प्रकार मतलब हम लोग चिंतन करते हैं। इस तरह चिंतन करते करते क्या होगा, हम लोग भगवान के पूरे फीचर, पूरे स्वरूप को आस्वादन कर सकते हैं। तो ये तो उस युग की बात है, प्राचीन काल की, अर्थात दूसरे युगों में संभव था। कलि युग में ध्यान की ये व्यवस्था, ध्यान की विधि बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि व्यक्ति का मन बहुत चंचल होता है और चंचल मन से ध्यान धरना बहुत ही कठिन होता है। तो इसीलिए क्या व्यवस्था किया गया है हमारे आचार्यों द्वारा, मंदिर में भगवान श्री कृष्ण को प्रतिष्ठित किया गया है, ताकि भगवान के चित्र को, भगवान के चित्रपट, भगवान के रूप को देखने मात्र से वो ध्यान की समस्त विधियों का जो लक्ष्य है वो सिर्फ भगवान को दर्शन करने से संभव है। बात को समझ गए? कितना डिफिकल्ट प्रोसेस था प्राचीन युगों में कि व्यक्ति को भगवत प्राप्ति के लिए पहला चीज क्या है, घर परिवार छोड़ना है, माता पिता पुत्र पुत्रियां सबको छोड़ के पंचासुरधाम वनम व्रजेत, उसको घर बन जाना है। और वन में जाके क्या, सिर्फ केला खाना नहीं है बंदर की तरह, वन में जाके समाधि में लगना है। समाधि का अर्थ क्या है? समाधि का अर्थ होता है खान पान कम, अल्पहारी, निद्रा त्यागी, गृह त्यागी, तो सबको लिमिट करना है और भगवान का चिंतन करना। तो भगवान का चिंतन करके क्या दर्शन होता है, भगवान के चरण, भगवान के बाल, भगवान की आंख, किस प्रकार हम लोग ध्यान अंदर में कृष्ण का दर्शन करते हैं। तो वो है विधि। और कलयुग में क्या फैसिलिटी है कि व्यक्ति सिर्फ भगवान कृष्ण के विग्रहों को जस्ट देखा, वो समस्त विधि के बराबर है, उससे भी ज्यादा फायदेमंद है। क्योंकि ये विग्रह क्या है, प्रतिमान हो तुम साक्षात ब्रजेंद्र नंदन, ये साक्षात गोलोक वृंदावन भगवान श्री कृष्ण है। तो इनको देखने मात्र से वो योगिक पद्धति का जो अल्टीमेट गोल है कृष्ण दर्शन, वो यहाँ पे मिल जाता है। इसीलिए सुखदेव गोस्वामी आज के श्लोक में यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं कि हे राजन, स्मरण की इस पद्धति में तथा भगवान के कल्याण प्रद साकार स्वरूप का दर्शन करने के अभ्यास में स्थिर होने से मनुष्य भगवान के प्रत्यक्ष आश्रय के अंतर्गत उनकी भक्ति को शीघ्र ही प्राप्त कर सके। कितना इंपॉर्टेंट बात कि भगवान के साकार स्वरूप का दर्शन हम लोग जो मंदिर में देखते हैं राधा माधव, ठीक है। तो श्रील प्रभुपाद वही चीज यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं कि योग की सिद्धियां भक्तिमय प्रवृत्ति के द्वारा ही प्राप्त की जा सकती है। ब्रह्मवाद जो कि सर्वशक्तिमान की सर्वत्र उपस्थिति को अनुभव करने की पद्धति है, एक प्रकार का मन का प्रशिक्षण है जिससे भक्तिमय धारणा के प्रति अभ्यस्त हुआ जाता है, और योगी को इसी भक्तिमय प्रवृत्ति से ऐसे योगिक प्रयासों की सफल परिणति संभव होती है। किंतु भक्ति के रंच मात्र मिश्रण बिना मनुष्य को ऐसा सफल पद प्राप्त नहीं होता। ब्रह्मवाद की दृष्टि से जो भक्तिमय वातावरण उत्पन्न होता है वो आगे चलकर भक्ति में विकसित हो जाता है और निर्विशेषवादी के लिए यही एकमात्र लाभ है।
भगवत गीता के 12 अध्याय के 5 नंबर श्लोक में यहां पर बताया गया है कि ये जो निर्विशेष बात और भगवान के निराकार रूप का जो दर्शन करने की जो पद्धति है वो बहुत ही कष्टप्रद है, क्योंकि ये घूमकर लक्ष्य तक पहुंचता है। यद्यपि निर्विशेषवादी भी काफी समय बाद भगवान के साकार रूप के प्रति आकृष्ट, बहुत दिन बाद। इसीलिए क्यों ना, जो चीज अगर मान लीजिए कि 3 साल बाद भी आपको घूम के ही पर आना पड़ेगा, तो क्या जरूरत है इधर उधर भटकना, क्या भटकने इधर उधर जाने का। कहने का मतलब, मान लीजिए मायापुर में कोई एक व्यक्ति है, उनको सेवा दिया कि यहाँ पे आपको हर महीना 30,000 रुपया करके दिया जाएगा, ठीक है, और दो ऑप्शन दिया, यहाँ पे कंटिन्यू आपका सेवा हर महीना 30,000 रुपया करके दिया जाएगा और ड्यूटी है 8 घंटे, और आपको मुंबई में एक ऑफिस में नौकरी देंगे जो हर महीना आपका वेतन होगा 3 लाख रुपया और वो भी 6 घंटा ड्यूटी। यहाँ पे 8 घंटा कितना मिल रहा है, 30,000, वहां पे 6 घंटा 3 लाख रुपया। लेकिन एक शर्त है, 3 साल के बाद आपको घूम के यहाँ पे आना पड़ेगा और जो 30,000 रुपया यहाँ पे मिल रहा था वो भी नहीं मिलेगा। तो अभी व्यक्ति क्या करेगा, बुद्धि में अगर मूर्ख होगा तो क्या करेंगे, बोलेंगे चलो बाबा 3 लाख रुपया हर महीना मिल रहा है, पहले उससे हड़प लेते हैं और आके भिखारी बनेगा। और बुद्धिमान होगा तो क्या करेंगे, वो बोलेंगे मुझे 3 लाख रुपया नहीं लेना है, जब लौट के यहां पर आना है और भीख मांगना है, उससे बेहतर है 30,000 रुपया करके मंथली कमाओ सारा जीवन भर। यह बुद्धिमानी का लक्षण, ठीक है। तो निर्विशेष बात जो है ना, ये बहुत काफी समय बाद भगवान के साकार रूप के प्रति आकृष्ट हो, बहुत दिन बाद। तो जब ऑलरेडी फैसिलिटी मिल गया उसको क्यों ना अपनाए। तो जब सुखदेव गोस्वामी इस प्रकार परीक्षित महाराज को समझा रहे थे, तो परीक्षित महाराज ने प्रश्न किया कि हे ब्राह्मण, कृपा करके विस्तार से यह बताए कि मन को कहाँ और कैसे लगाया जाए, मुझे बताइए, और धारणा को किस तरह स्थिर किया जाए कि मनुष्य के मन का सारा मैल हटाया जा सके। यथा संधारयति ब्राह्मण धारणा यत्र सम्मता यादृशी वा हरे दासु पुरुषस्य मनोमलम। तो श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि बद्ध जीव के हृदय की सारी मलिनता ही उसके सारे कष्टों की जड़ है। हमारे जीवन में हम सब क्या है, बद्ध जीव। बद्ध जीव मतलब जो इस संसार के प्रति आकर्षित होता है, और नित्य मुक्त मतलब जो भगवान की लीला, भगवान की कथा, भगवत नाम के प्रति ही जिनका रुचि है, इस जगत में ही भले क्यों रहे, जिनका उसमें रुचि हो, उसे कहा जाता नित्य मुक्त। तो बद्ध जीव का इस संसार में कष्ट का कारण क्या है, सारे कष्टों की जड़ क्या है, कि बद्ध जीव संसार के अनेक कष्टों से घिरा है, किंतु अपने निकट निपट अज्ञान के कारण वो इस भौतिक जगत में अपने दीर्घ बंदी जीवन की अवधि में हृदय से में संचित गंदगी मल को दूर करने में असमर्थ रहता है, निपट अज्ञान के कारण। ज्ञान क्या है, कृष्ण मालिक हम उनके सेवक। अज्ञान क्या है, कि मैं भी कृष्ण की तरह मालिक बन सकता हूं अगर कोशिश किया जाए, प्रयास किया जाए, या कृष्ण की तरह नहीं कम से कम उनके लेवल में तो आ सकता हूं, ठीक है। तो वास्तव में वो परमेश्वर की इच्छा अनुसार सेवा करने के निमित्त आया होता है रियलिटी में, किंतु हृदय की गंदगी के कारण वो अपनी मनोकल्पित इच्छाओं की पूर्ति करना चाहता। जीवात्मा का ये सबसे बड़ा रोग है। रियलिटी में क्या है, रियलिटी में यह है कि जीवात्मा कृष्ण का सेवक है, इसीलिए कृष्ण जो सेवा उनसे चाहते हैं वो उनको प्राप्त होगा, लेकिन वो क्यों नहीं करते, क्या प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम यही है क्योंकि वो अपनी इच्छा की पूर्ति चाहते हैं, तो ये इच्छाएं उसे मन शांति प्रदान करने के बजाय नई नई समस्याएं उत्पन्न करती रहती है, और इस तरह उसे जन्म मृत्यु के चक्र में बांध देती है। तो सकाम
सकाम कर्म तथा ज्ञान का यह मैल परमेश्वर की संगति करके ही दूर किया जा सकता। ये जो सकाम कर्म है, सकाम कर्म रूपी जो मल है, इसको कैसे दूर किया जा सकता है? कृष्ण की संगति। और कृष्ण की संगति कैसे हो? उनका लीला, भगवान की लीला साक्षात कृष्ण है। इस चीज को दृढ़ता के साथ समझ लेना है। भगवान का नाम, कृष्ण का नाम साक्षात कृष्ण है। नो एनी डिफरेंस, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। भगवान कितने दूर में है, ये हमारे लिए दूरी है। कृष्ण के लिए यहां आना कोई दूरी नहीं है। जिस व्यक्ति के हाथ में दूरबीन होता है ना, दूरबीन टेलीस्कोप, वो दूर से ही चीज को देख लेता है, दूर से ही चीज को देख लेता है, तो उनको नहीं लगता कि वो दूर में है। उनको क्या लगता है? सामने है, नजदीक। लेकिन जिसके पास टेलीस्कोप नहीं है, उनके लिए लगता है कितना दूर है। लेकिन जिसके पास है दूरबीन, अरे बहुत सामने है। तो भगवान उस टेलीस्कोप की तरह है, उनके लिए हम लोग दूर नहीं है, हमारे लिए वो दूर है। मतलब हम ये फील करते कृष्ण हमसे कितने दूर है, लेकिन उनके लिए दूर नहीं। तो कृष्ण नाम वो साधन है, वो टेलीस्कोप है, कि नाम लेना मतलब कृष्ण मेरे साथ। ये चीज को हमेशा ध्यान में रखना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये जो नाम है, ये कृष्ण नाम जो है ना, ये साक्षात कृष्ण है। ये कोई डिफरेंस नहीं है, इसमें कोई अंतर नहीं है कि कृष्ण नाम अलग है और कृष्ण अलग है। कृष्ण नाम में जो चीज आप इच्छा करोगे वही मिलेगा, जो कृष्ण का प्रत्यक्ष दर्शन करने से जो मिलता है। मान लीजिए आपकी इच्छाएं कुछ होती है, शायद कृष्ण अगर मेरे साथ रहता तो मैं उनसे कुछ मांग लेता। ये कृष्ण मुझे एक मोटरसाइकिल दिला दो ना, या कृष्ण अगर साथ में रहता तो मुझे एक 4 चक्का बंगला दो ना, मतलब एक 4 ताला या 10 ताला एक बिल्डिंग बना दो ना। किसी भी प्रकार से वो कुछ ना कुछ इच्छाएं प्रकट करते हैं अगर कृष्ण साथ में रहते। तो हरि नाम वो साधन है कि हमारे मन में जो भी इच्छाएं होती है, जब हरि नाम करते हैं तो भगवान कृष्ण रिकॉर्ड करते हैं और उसी अनुसार उसको फलीभूत होता है लाइव। मेरे गुरु महाराज श्रीमद भक्ति चरण स्वामी गुरु महाराज बोल रहे थे कि मायापुर में इतना बिल्डिंग बन रहा है, ये नाम अपराध का फल है। नाम अपराध का फल है, क्योंकि हरि नाम करके हम लोगों को हरि को प्राप्त करना चाहिए, लेकिन हरि नाम करके हम लोग धन प्राप्त चाहते हैं, वैभव, तो हरि नाम वो दे देता है, क्योंकि हरि नाम शक्तिमान है। भगवान जैसे शक्तिमान है, भगवान से भी ज्यादा शक्तिमान है हरि नाम। तो हरि नाम करेंगे, जो भी इच्छा मन में प्रकट करेंगे पूरा होगा। तो रियलिटी में क्या है, हम लोग हरि नाम तो करते, गुरु महाराज बोल रहे थे हरि नाम तो करते हैं, लेकिन भगवत तत्व ज्ञान के विषय में, भागवत डिस्कशन या कृष्ण तत्व विज्ञान के प्रति उतना हम लोग सीरियस नहीं होते। हरि नाम करते हैं और कृष्ण तत्व विज्ञान को ध्यान नहीं देते। जब अगर कृष्ण तत्व विज्ञान पे ध्यान देते और हरि नाम करते, तो दोनों चीज का बैलेंस होता है और भगवान वही चीज देगा जो आपके लिए लायक हो, जो आपके लिए जरूरत हो, और आपका जो जीवन का उद्देश्य हरि को प्राप्त करना, वो हरि को आप प्राप्त करेंगे। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है कि भगवत तत्व ज्ञान के बिना हरि नाम करना मीन्स मन में जो कुछ चलेगा भगवान वो पूरा करेगा, तो नाम अपराध होता है। तो नाम अपराध का फल है कि वो चाहते हो धन दो, हो दौलत, हो बाड़ी, हो नौकर चाकर हो, इसीलिए हो जाता, इसीलिए हो जाता है। तो इसीलिए हम लोगों को ये भगवत तत्व ज्ञान जो है ना, इसको बहुत ही सीरियसली लेना है, क्योंकि भगवत तत्व ज्ञान में डेवलप होना मतलब भक्ति में डेवलप होना है। ये चीज हमेशा याद रखना है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर 10 करोड़ माला ना, 10 करोड़ नाम जप, क्या बोलते हैं, 7 कोटि नाम जप किया था भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। तो 7 कोटि नाम जप किए थे ज्ञान के साथ कि भगवान है और भगवान की भक्ति का प्रचार प्रसार करना है, इसलिए मुझे शक्ति चाहिए। शक्ति अर्जन करने के लिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर 7 कोटि नाम जप किया।
हम लोग नाम जप करते हमारे जीवन का कुछ उद्देश्य ही नहीं है। जस जाचे तो जाचे ही, हरे कृष्णा फेसबुक में नोटिफिकेशन, हरे कृष्णा मतलब हमारे जीवन हरि नाम का जो एक उद्देश्य क्या है, हरि नाम हम लोग क्यों कर रहे हैं, कोई अल्टीमेट गोल ही नहीं है कि हरि नाम करेंगे ताकि मेरे अंदर शुद्धता है, हरि नाम करेंगे ताकि मैं प्रीचिंग कर पाऊं, हरि नाम करे ताकि मेरे कुछ धन दौलत आए ताकि मैं भक्ति में लगा सकूं, डोनेशन कर सकूं, उद्देश्य हरे कृष्ण हाँ माता जी क्या रिप्लाई, हरे कृष्ण माता जी आपका क्लास में, हरे कृष्ण ये व्हाट दिस, ऐसे नहीं। हरि नाम सीरियस होकर करेंगे तो वही चीज फलेगा, वही चीज आपको मिलेगा जो आप मन में चाहते हैं, क्योंकि चिंतामणि है हरि नाम, हरे कृष्ण महामंत्र जो है ना चिंतामणि है। तो जो डिस्कशन, तो यहाँ पे जो बताया जा रहा है श्रील प्रभुपाद जो तात्पर्य में लिख रहे हैं कि हमारे हृदय में जो मल है, मलिनता है, इसको दूर किया जा सकता है कैसे, एकमात्र और एकमात्र कृष्ण के संग द्वारा। तो भगवान श्री कृष्ण का संग कैसे प्राप्त होगा, ना हम प्रकाश सर्वस्व जोगो माया समावृत, सबके सामने तो भगवान प्रकट नहीं होते, तो भगवान किसके सामने प्रकट होते हैं, वही भक्त के पास जो आचार्यों का पद अनुसरण करते हैं। हमारे आचार्य लोग जो पद दिए हैं, नारद मुनि जब जिज्ञासा किए कि भगवान आप रहते कहाँ पर जहां पे आपका संग कर सकूं, तो भगवान ने उत्तर दिया ना हम तिष्ठामि वैकुंठे जोगिन हृदय सुबा जत्र गायन्ति मद भक्ता तत्र तिष्ठामि नारद, जहां पर मेरा भक्त मेरी कथा का वर्णन करते वहीं पर मैं रहता, ठीक है, मैं वैकुंठ में भी वास नहीं करता, जोगी के हृदय में भी नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि भगवान वैकुंठ में नहीं रहता है, रियल वैकुंठ का अर्थ वो है जहां पर भगवान की कथा हो, भगवान की कथा मीन्स भगवान वहां पे उपस्थित, क्योंकि भगवान की कोई भी लीला ड्रामा नहीं है, ड्रामा मीन्स काल्पनिक नहीं है, इसीलिए भगवान की कथा और भगवान की लीला और भगवान में कोई अंतर नहीं है, ठीक है। तो ये चीज हम लोग समझ गए तथ्य को, बारंबार हम बता रहे वो चीज कि हरि नाम साक्षात भगवान है, सर्वशक्तिमान होने के कारण भगवान अपनी अचिंत शक्तियों के द्वारा अपना सान्निध्य प्रदान कर सकते हैं। सर्वशक्तिमान भगवान सिर्फ शक्तिमान नहीं, सर्वशक्तिमान है, और सर्वशक्तिमान होने के कारण अचिंत शक्तियों के द्वारा अपना सान्निध्य किसी को भी प्रदान कर सकते हैं। गोलोक वृंदावन में है भगवान, लेकिन अगर आप चाहते कि कृष्णा आप मेरा संग रहे, मेरे साथ रहे, तो कृष्णा कर सकते हैं, गोलोक एव निवसति अखिलात्म भूत, गोलोक में है कृष्णा लेकिन अखिल आत्मभूत है, साथ साथ में इस जगत में भी है, आपके पास भी है। तो हरि नाम साक्षात कृष्ण है, इसीलिए हरि नाम जब करेंगे तो इतना प्रेम से करना चाहिए कि हे प्रभु क्या मिला है मुझे, काश ये दुनिया वालों को मैं दे सकता, काश मेरे अंदर में वो प्योरिटी आए, वो शुद्धता आए, ताकि जिसको बोलूं हरि नाम लो तो प्रेम से ग्रहण करें। तो जो लोग ब्रह्म के साकार स्वरूप में दृढ़ श्रद्धा नहीं रख पाते, उन्हें भगवान के विराट रूप का सान्निध्य प्राप्त करने का अवसर प्रदान किया जाता है। विराट रूप का अर्थ क्या होता है, पहाड़ पर्वत भगवान की हड्डी है, सागर भगवान की ये है सिरा, जहां पे खून चलाचल होता है हमारे नसें, अथवा जो लोग, तो भगवान का विराट निर्विशेष स्वरूप उनकी असीम शक्तियों का स्वरूप है, हटाओ असीम शक्तियों का कैसे हटा रहे, वैसे करने से तो फिर ज्वाइंट हो जाएगा, वहां पे तीनों टिक मारना होता है, तो बद्धजीव को अप्रत्यक्ष रूप में चूंकि शक्तिमान तथा शक्ति अभिन्न है, अतः उनके विराट स्वरूप की निर्विशेष धारणा भी बद्धजीव को अप्रत्यक्ष रूप से भगवान का सान्निध्य प्राप्त करने में सहायता होती है, और इस तरह कर्मों से साकार संपर्क की अवस्था प्राप्त की जा सकती है। तो महाराज परीक्षित पहले से भगवान श्री कृष्ण के साकार स्वरूप से
रूप से जुड़े थे। अतः वे उन्हें सुखदेव गोस्वामी से ये पूछने की आवश्यकता नहीं थी कि मन को कहाँ और कैसे ब्रह्म के निर्विशेष विराट रूप में लगाया जाए, किंतु उन्होंने उन सबके लाभ के लिए इस विषय में विशद जिज्ञासा की जो भगवान के सच्चिदानंद स्वरूप के दिव्य साकार स्वरूप की कल्पना करने में असमर्थ है। अभक्त लोग भगवान के साकार स्वरूप के विषय में सोच भी नहीं सकते। उनके अल्प ज्ञान के कारण राम या कृष्ण के साकार स्वरूप उनके लिए नितांत क्रांतिकारी। उन्हें भगवान की शक्ति का बहुत ही कम अनुमान होता है। भगवद गीता में स्वयं भगवान कहते हैं, बताया कि अल्पज्ञ पुरुष भगवान को सामान्य व्यक्ति मानकर उपहास करते हैं। ऐसे व्यक्ति भगवान ने ये बताया कि अल्पज्ञ पुरुष, हाँ, ऐसे व्यक्ति भगवान की अचिंत शक्ति से अनजान रहते हैं। भगवान अपनी अचिंत शक्ति से मानव समाज में या जीवों के अन्य समाज में विचरण करते हुए भी अपने दिव्य पद से रंच मात्र हटे बिना वही सर्वशक्तिमान भगवान बने रहते। तत्वे वैसे व्यक्तियों के लाभ के लिए जो भगवान के साकार दिव्य स्वरूप को स्वीकार करने में असमर्थ है, महाराज परीक्षित ने सुखदेव गोस्वामी से पूछा कि प्रारंभ में मन को भगवान पर किस तरह स्थिर किया जाए, और गोस्वामी जी ने निम्नमत उसका विस्तार से उत्तर दिया। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, जितासन जितो स्वासो जित संगो जितेंद्रिय स्थूले भगवतो रूपे मन संधारय धिया, कि मनुष्य को चाहिए कि आसन को नियंत्रित करे, यौगिक प्राणायाम द्वारा श्वास क्रिया को नियमित करे और इस तरह मन तथा इंद्रियों को बस में करे, फिर बुद्धिपूर्वक मन को भगवान की स्थूल शक्तियों विराट रूप में लगाए। भैतिकता में निमग्न बद्ध जीव का मन उसे देहात्म बुद्धि से ऊपर उठने नहीं देता। हमारा जितना ये जो जिस स्थिति में है, कोई मुसलमान है, कोई हिंदू है, कोई क्रिश्चियन है, कोई यहूदी है, कोई बकरी है, कोई बिल्ली है, कोई कुत्ता है, सभी अपने अपने देह में ही आसक्त है। निपट भौतिकतावादी के चरित्र को ढालने के लिए ध्यान के योग पद्धति, आसन और श्वास क्रिया को नियंत्रित करने तथा मन को परमेश्वर में स्थिर करने की संस्तुति की गई। जब तक ऐसे भौतिकतावादी लोग भौतिकता में निमग्न मन को स्वच्छ नहीं बना लेते, तब तक उनके लिए आध्यात्मिक विचारों में मन को एकाग्र कर पाना असंभव है। ऐसा करने के लिए अपने मन को भगवान के स्थूल भौतिक या बाह्य स्वरूप में एकाग्र करना चाहिए। अगले श्लोक में भगवान के विराट रूप के विभिन्न भागों का वर्णन किया गया है। भौतिकतावादी व्यक्ति ऐसे नियमन विधि के फलस्वरूप कुछ योग शक्तियां प्राप्त करने के लिए उत्सुक रहते हैं, लेकिन यौगिक अनुष्ठानों का असली प्रयोजन संचित मल और यथा वासना, क्रोध, ईर्ष्या तथा अन्य भौतिक कल्मषों को दूर करना है। यदि योगी चमत्कारिक आसनों के प्रदर्शन में पड़ जाता है तो उसकी योगिक सफलता का लक्ष्य विफल हो जाता है, क्योंकि उसका परम ध्येय तो ईश्वर साक्षात्कार है। अतः वे उसे भिन्न धारणा के द्वारा अपने स्थूल भौतिकतावादी मन को स्थिर करने और इस तरह भगवान की शक्ति की अनुभूति करने की संस्तुति की जाती है। ज्यों ही वे ये शक्तियां अध्यात्म योग की नैमित्तिक अभिव्यक्तियां प्रतीत होने लगती है तो वो स्वतः आगे बढ़ जाता है और कर्मशः उसके लिए पूर्ण अनुभूति की अवस्था प्राप्त कर पाना असंभव हो जाता है। तो इस प्रकार हम लोग देख रहे हैं आगे सुखदेव गोस्वामी क्या क्या वर्णन करेंगे, हम लोग आगे चर्चा करेंगे। तो आज की कथा को हम लोग यहीं पर विराम देते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद भागवत महापुराण की जय। निताई गौर प्रेमानंदे।